हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिज़मा और आज की वीडियो बहुत स्पूकी होने वाली है क्योंकि मैं आपको इंडिया की ऐसी दो जगहों के बारे में बताने जा रही हूँ जो आप लोग सुन के बहुत ज़्यादा डर जाओगे। एंड मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, तो प्लीज़ अगर आप थोड़े छोटे हो, मेरे फैमिली मेम्बर्स में जितने छोटे बच्चे हो सब मेरी वीडियो देखते, तो यू कैन जस्ट स्किप दिस और क्योंकि बहुत ज़्यादा डर आपने हैं। और अभी किसी कहीं पे मिल करना मुझे, अभी कहेंगे मैं इतना डरपोक नहीं हूँ। हाँ, एनीवेज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दो ऐसी जगह के बारे में जो ट्रूली हॉन्टेड है, जिसको इंडिया की गवर्नमेंट ने हॉन्टेड कर रखा है। एंड इसमें से एक जगह अभी भी चलती है, दोनों चलती हैं, बट अगर आप चाहो तो एक जगह पर तो रात को रुक भी सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोगों को पता ही चल जाए कि ये कितनी स्पूकी एंड हॉन्टेड होने वाली है। नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी जगह के बारे में जिसको सुन के आप सब लोग ओके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस जगह के बारे में नहीं सुना तो ज़रूर से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब मैंने पहली बार जगह के बारे में सुना, थोड़ी सी रिसर्च करी, तो मेरे हिसाब से सेम हॉन्टेड सी प्लेस है। एंड एक यूट्यूबर ने ये कंफर्म करा कि हॉन्टेड प्लेस नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत बार जाके देखो, उन्होंने ट्राई करा बट कोई भी नहीं था। तो अभी मैं आप लोगों को बता से वो प्लेस, मैं बात कर रही हूँ इंडिया की राजस्थान के अंदर जयपुर के रास्ते में, या फिर जयपुर में, शायद जयपुर में स्थित बनाया गया भांगड़ फोर्ट। जैसे मैंने राजस्थान बोला सब लोग समझ गए होंगे। एंड ये इंडिया मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। एंड सही में मेरा दिल मुंह में आ जाता है ऐसे हॉन्टेड वीडियो बनाने के लिए। ये हॉन्टेड सीरीज चल रही है, तो हॉन्टेड सीरीज का एक पार्ट 4 है, बाकी के 3 देख सकते आप, आई डोंट नो 3 या 4 है। तो एनी वेज अपने टॉपिक पे आते हैं, तो ये जो भांगड़ फोर्ट है ये हॉन्टेड कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं गेट बंद कर दूँ वरना ये हॉर्न वाला ना दिमाग खराब कर देगा। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ ये हॉन्टेड कैसे हुई प्लेस। पर एक औरत रात को परफ्यूम लेके भांगड़ फोर्ट में डालती है, मैं बताती हूँ वो है क्या एंड कैसे है। तो एक रानी हो गई थी जिनका नाम था रानी रत्नावती, एंड वो अपने टाइम में बहुत ज़्यादा खूबसूरत रानी हुआ करती थी। उनकी खूबसूरती के चर्चा और भी बहुत ज़्यादा जगह में होते थे। जैसे 18 साल की उनकी तो शादी होने वाली थी, तो शादी के रिश्ते आने लगे बहुत बहुत दूर से। मैं इतनी खुश होकर बता रही हूँ, थोड़ा हॉन्टेड भी बताते हैं। तो हर जगह से उनके रिश्ते वगैरह आने लगे, तो उनके रिश्ते आ रहे थे हर जगह से। तो उसके बीच में एक तांत्रिक होता था जिनको उनसे बात करनी थी, बट उसकी थोड़ी सी ना तांत्रिक काला जादू करने वाले, बच्चों को नहीं देखना चाहिए वीडियो। तो दिस वॉज दैट कि वो उनसे बात करना चाहते बट वो बात ही नहीं करने को तैयार थी। दे डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हर, उस रानी को उस तांत्रिक से बात नहीं करनी, क्योंकि उसकी जो कैसे बताऊँ मैं रेपुटेशन खराब थी, और इसीलिए तो वो उनसे तो बात करने वाली, तांत्रिक को भी पता था कि वो मेरे से तो बात करने नहीं वाली हैं। तो एक दिन रानी रत्नावती ने अपने लिए एक परफ्यूम मंगाया अपने नौकर से, नौकरानी से अपनी एक परफ्यूम मंगाया। तो उनकी जो मेड थी वो परफ्यूम लेने तो गई मार्केट में, एंड उन्होंने जैसी परफ्यूम लिया तांत्रिक ने उसके ऊपर कुछ फूंक दिया। मतलब इसकी ऐसी स्टोरी है, मैं बच्चा हूँ फिर भी बता रहा हूँ, मैं 6th क्लास में आ चुका हूँ फिर भी बता रहा हूँ, इसकी ऐसी कुछ अजीब सी स्टोरी है। दिस वीडियो इज़ नॉट मेड फॉर किड्स, भले ही किड्स बता रहे। तो उसमें क्या था कि उन्होंने कुछ फूक फूक दिया, मतलब तंत्र मंत्र उस परफ्यूम में फूक दिया, वो परफ्यूम उन्होंने रानी को जाके दे दिया। अब पता है कि रानी एंड रानी के थर जगह जासूस मौजूद होते हैं, रानी को किसी ना किसी तरीके से मुझे ऐसा लगा किसी ना
लेट्स कंटिन्यू। तो उन्होंने उनको पता चल गया कि इस परफ्यूम में झाड़ फूक वगैरह वगैरह कर रखे हैं। उस परफ्यूम का अगर रानी लगाती, इफ़ इन केस रानी लगाती, तो वो खुद ही नाजर से बात करने लगती, कुछ ऐसा होता है उनके हिसाब से। बट ऐसा तो हुआ नहीं, कुछ और ही हो गया। जैसी रानी को पता चला, उन्होंने अपना शीशे का बॉटल लिया और एक पत्थर पर मार दिया। वो पत्थर जाके सीधे तांत्रिक के लगा एंड तांत्रिक मरते मरते उनको श्राप देके गया कि ये भांगड़ फोर्ट, भांगड़ का किला तहस नहस तबाह हो जाएगा, एक भी कोई भी इंसान नहीं बचेगा। एंड इसके ठीक एक साल बाद वहाँ पे एक जंग छिड़ी जिसमें सब लोग मारे गए, सब मर गए, एंड रानी रत्नावती भी मर गई। तो तब से ये प्लेस हॉन्टेड है। दिन में तो एक सिंपल फोर्ट जैसे आप जाकर विजिट कर सकते हो जयपुर में, ये शायद से, एंड ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था। कभी इसकी 7 मंजिल थी, बस अभी तो सिर्फ 4 ही रह गई। एंड स्टार्टिंग में एक मार्केट शुरू होता है, वो मार्केट भी तहस नहस हो गया, तबाह हो गया। रात को यहाँ पे एक औरत, यानी कि जो मैंने औरत बताई वो रानी रत्नावती ही थी, वो परफ्यूम लेके रात को टहलती हैं और किले के पास से एक अजीब सी ही खुशबू आती है। और ये कहा जाता है सनसेट के बाद, सूरज ढलने के बाद वहाँ पे अगर कोई गया तो वापस नहीं आया। बट मैंने एक वीडियो में देखा था, मैं उनका थंबनेल दिखा देती हूँ, अगर आपको देखना है तो आप देख लो। उन्होंने पूरा पूरा यहाँ पे थंबनेल, उन्होंने पूरा पूरा कह दिया कि मैंने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल दिया कि कहाँ है भूत, पर कोई भी नहीं आया। यप, कोई नहीं आया। एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा चमगादड़ यानी कि बैट्स रहते हैं, दूर है ना, कोरोना फैल रहा है। तो वहाँ पे सब लोग ऐसे, कोई भी नहीं बचा। एंड हाँ, एक अजीब सी बात जो मुझे अभी याद आई, वहाँ पे अगर कुछ भी कंस्ट्रक्ट या रेनोवेट होने की कोशिश करते तो वो ढह जाता है, उसकी वजह से वर्कर्स की जान जा सकती है या फिर वर्कर्स के चोट भी लग सकती है, लग भी चुकी है, इसलिए बता रही हूँ। ओके, तो क्या आप लोग भांगड़ का किला विजिट करेंगे, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। एंड एक अनाउंसमेंट है आखिर में, देखना मत भूलना। ओके, लेट्स मूव टू द नंबर 2।